श्री जौनापुर में भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ था। दूर दूर से भक्त गुरु पूर्णिमा पर बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए आए थे तथा विशाल संख्या में लोगों ने नीम करौली बाबा का आशीर्वाद दिया और देवी अंजलि ठाकुर ने भजन गाकर समा बांध दिया। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली मंदिर अपने आप में अलग ही विशेषता रखता है। जो इस मंदिर में आता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। दूसरी ओर भक्तों ने गुरु पूर्णिमा पर नाच गाकर बाबा के मंदिर में सुनहरा समा बांध दिया तथा सात अलग अलग कलाकारों ने भजन गाकर सबका मन मोह लिया। गुरु पूर्णिमा पर भारत में एक ऐतिहासिक दिन होता है जिसमें सभी गुरु के चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारत में महान संतों ने जन्म लिया है, उसमें से एक नीम करौली बाबा है जिन्होंने अपनी समाधि से पहले संसार में बहुत कल्याण किया और लोगों को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ किया। किनी टाइम्स के मुख्य संपादक किरण सिंह तंवर जी भी नई दिल्ली जौनापुर नीम करौली के हर प्रोग्राम की लाइव कवरेज करते हैं तथा यूट्यूब के माध्यम से भी भक्तों तक पहुंचाते हैं। शायद ही आज के समय में कोई ऐसा शख्स होगा जो भगवान या फिर यूं कहें कि बाबा नीम करौली जी महाराज के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता हूं तथा दूसरों को भी दर्शन करने का मौका देता हूं। जय हो बाबा नीम करौली महाराज। Thank you.
Thank you.
तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।